What's up guys, this is Guru Man. बहुत ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है, खासकर बिगेनर्स जो है क्वेश्चन को पूछते हैं कि कौन सा टाइम जो है अच्छा है वर्कआउट के लिए, हम सुबह वर्कआउट करें वो ठीक है या शाम को वर्कआउट करें, विच इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट. नाउ सिंपल एंड बेस्ट आंसर इज एनी टाइम इज द बेस्ट टाइम. जो टाइम आपको सूट करे वो बेस्ट है. ये नहीं बोल सकते मॉर्निंग वर्कआउट करना बेस्ट है और इवनिंग करना ठीक नहीं है, या इवनिंग वर्कआउट करना जो ज्यादा बेटर है और मॉर्निंग नहीं है. गाइस, इट डिपेंड्स कि आपके ऊपर कौन सा सूट करता है. सबसे पहले आप जिम जाएं, किसी भी टाइम जाएं, आप जिम जाने की आदत डालें, जो भी आपके स्केड्यूल के अंदर टाइम है वो पिक करें और लगभग एक घंटा आप हफ्ते में 4 से 5 बार जिम जाने की आदत डालें. जब आदत डालेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि ये टाइम आपके लिए काम कर रहा है या कोई और करें. बाकी आपको मैं थोड़े से बेनिफिट बताता हूं कि सुबह करने के और शाम करने में थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस है इन टर्म ऑफ आपका ओवरऑल आप क्या करते हैं दिन के अंदर, वो मैटर करता है. अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं, प्लस उसकी बात करते हैं, सुबह वर्कआउट करने का मतलब है कि जब सुबह उठते हैं, फर्स्ट थिंग ना मॉर्निंग आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, स्टोर पर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं. इसका मतलब है कि आपके पास एक बहाना नहीं है क्विट करने का, वर्कआउट स्किप करने का. और सुबह वर्कआउट करने से यह होता है कि एक तो आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे, सुबह वर्कआउट करने के साथ सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे. नंबर दो, आपका वर्कआउट मिस नहीं होगा. नंबर तीन, आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो आपको मालूम है कि आपको आकर खाना पड़ेगा, तो वहां पर स्किप नहीं होगा. तो तीन ऐसे बेनिफिट है. चौथा, आपके हार्मोन लेवल सुबह पीक पर होते हैं, हाई होते हैं, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा आपके गोल्स के दौरान, चाहे फैट लॉस है चाहे मसल बिल्डिंग है, इसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी और आपका सारा दिन अच्छा निकलेगा. क्योंकि सुबह वर्कआउट करने से आपका सारा दिन का जो मूड है, जो एनर्जी लेवल है, वो अच्छा निकलता है. अब शाम को वर्कआउट करने से कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं. जैसे नुकसान ये बोल सकता हूं कि जो लोग अभी नया नया जिम शुरू किया हुआ है, ऑफिस में जाते हैं, जॉब है, स्टोर है, दुकान है, ट्रेवल करते हैं, स्कूल कॉलेज, शाम का रूटीन है 5 बजे 6 बजे 7 बजे, क्या होता है कभी कभी आप अपनी जॉब पर फंस जाते हैं, बिजनेस में फंस गए, ट्रेवल में फंस गए, राइट? तो क्या हो गया, वो स्किप हो जाता है वर्कआउट. और ऑफिस में कभी भी आपकी पार्टी आ गई, मूवी का प्लान बन गया, तो लेट नाइट, यू नो आफ्टर आवर्स आप बार पर बैठ के, यू नो रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए, कुछ भी हो सकता है. ये एक कारण हो जाता है, जो लोग ऑफिस है, वर्क है, स्टोर्स है, वहां पर स्किप होने के चांस ज्यादा है. और शाम को ये भी होता है कि यू मोस्टली बहुत लोग टायर्ड हो जाते हैं, काम के ऊपर स्ट्रेस होता सारा दिन का, क्योंकि आपका सारा दिन कैसा गया, कितना स्ट्रेस था आपका, स्ट्रेस लेवल कभी कभी आप क्या करता है, आप जिम जाने की जगह आप घर पर टायर्ड होते हैं, कहते हैं आज थका हूं, आज दिन अच्छा नहीं गया, यू डोंट वर्कआउट. तो कुछ बहाने ऑटोमेटिक बन जाते हैं लोगों के. लेकिन डिपेंड करता है आपके ओवरऑल स्केड्यूल क्या है, यू नो दोनों तरफ प्लस भी है माइनस भी है. आपने ये देखना है कि आप क्या, आपका शाम बिजी होती है, ये आपने देखना है क्या आप शाम को बिजी रहते हैं, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई आपको घर का, फैमिली का, बच्चों का, यू नो अगर आप सिंगल हैं देन यू मस्ट हैव गर्लफ्रेंड, यू मस्ट हैव योर फ्रेंड सर्कल, तो क्या आप कहां पर बिजी हैं. अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी जिम वाला है देन ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि वहां पर आपका टाइम जिम के अंदर ही निकलेगा, स्किप नहीं होगा. सो ये ओवरऑल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सुबह में ये होता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले हैं, बहुत लोग जल्दी सुबह उठते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है सुबह वर्कआउट करें. जो रात लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो उनके लिए शायद ये टाइम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, जिम जाना शायद बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है. जो लोग 8-9 बजे उठने की आदत है, उनके लिए जिम कैच करना मुश्किल होगा सुबह का. लेकिन जो लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, वो अपना वर्कआउट कर सकते हैं. यू नो इट्स ऑल डिपेंड्स
बहुत लोग ऐसे हैं, कोई रात को 12 बजे सोता है, कोई 10 बजे सो जाता है, कोई 11 बजे सोते हैं, कोई 1 बजे सोता है, कोई सुबह 6 उठता है, कोई 7 बजे उठता है, 8 बजे, इट्स ऑल डिपेंड्स। सो आई हैव वर्कआउट्स, मैं हर जगह हर टाइम पर वर्कआउट किया है, लेकिन शाम को सबसे बड़ा एडवांटेज आपको स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 से 4 हेल्दी मील्स खाई होती है। जब शाम को वर्कआउट करते हैं और आपका गेन है मसल बिल्डिंग, तो आपको वहां पर ये फायदा होगा कि आपकी स्ट्रेंथ लेवल अच्छी होगी, आप अच्छा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी मील्स, ऑलमोस्ट 3 से 4 मील्स गई हुई है, तो आपके अंदर इनफ फ्यूल है वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, और 1.5-2 घंटे वर्कआउट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। सुबह आपकी स्ट्रेंथ लेवल कम होती है, बहुत लोगों का डिपेंड करता है आपका रात का खाना कैसे था, बिफोर बेड क्या मील थी। सुबह उठ रहे हैं आप, बॉडी आपकी कैटाबॉलिक में है, ऑलमोस्ट खाली स्टमक है, क्या आप एम्प्टी स्टमक जिम जा रहे हैं या आप एक मील खाकर जा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप मसल गेन करना, मैं आपको बता दूं, अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं और सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आप सुबह एक मील खाकर जाएं, सिंपल। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं और सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं, तो परफेक्ट है, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करें। अब एम्प्टी स्टमक मतलब है, आप यहां पर अगर सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो अमीनो एसिड जैसा सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मसल वगैरह ब्रेक ना हो। कॉफी पीकर जा सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े बने और एनर्जी लेवल थोड़ी सी बने, क्योंकि यू नो कॉफी हेल्प्स इन टर्म ऑफ आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। अगर आप शाम को वर्कआउट करना चाहते हैं और आपका गोल है मसल बिल्डिंग, देन डेफिनेटली आप 3 से 4 हेल्दी मील्स खाएं और फिर आप शाम को जिम जा सकते हैं। अगर आप फैट लॉस आपका गोल है, शाम को वर्कआउट करना चाहते हैं, स्टिल इट्स परफेक्ट। सो सुबह आपके लिए काफी इफेक्टिव होगा अगर आप फैट लॉस आपका गोल है, और शाम आपको हो सकती है अगर आपका मसल बिल्डिंग गोल है। अगेन इट वर्क्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बहुत लोग सुबह वर्कआउट करके मसल बिल्ड करते हैं, बहुत लोग शाम करते हैं। सुबह कार्डियो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो और एब्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है सुबह शाम दोनों का, जो बहुत लोग अगेन बहुत लोग सुबह शाम भी कर सकते हैं। देन आप सुबह वर्कआउट करें एब्स एंड कार्डियो और शाम को अपनी वेट ट्रेनिंग करें। सो गाइज इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्या आपके ऊपर सूट करता है, कौन सा टाइम आपके लिए सूट करता है। अगर आप काफी जिम स्किप करते हैं, आदत नहीं बन रही, देन यहां पर मेरी रिकमेंडेशन है सुबह वर्कआउट करें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई आपको सुबह फोन कॉल नहीं आएगी, कोई सुबह ईमेल नहीं आएगी, कोई सुबह काम नहीं होगा। 9 से पहले पहले अपना वर्कआउट फिनिश कर जाएं, आप स्किप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका जॉब और हेक्टिक जॉब, आपका स्केड्यूल, ऑफिस वर्क, आपका स्टोर दुकान वगैरह पर जाना है और शाम आपकी बिजी है, शाम को क्रिकेट मैच भी होते हैं, समहाउ यू गोना मिस इट। सो इसलिए अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल जिम का है, देन आपको नो मैटर आपको शाम को शादी भी है किसी की, तब भी आप वर्कआउट कर जाएंगे। आपने डेट पर जाना है, तब भी आप वर्कआउट कर जाएंगे। तो जो लोग जिम के लाइफस्टाइल जिम के अंदर है, लाइफस्टाइल के अंदर जिम है बाय द वे, तो वो लोग स्किप नहीं करते, वो अपना टाइम निकाल लेते हैं। सो बिगिनर्स के लिए मेरे यही टिप है गाइस कि आपने एक्सरसाइज करनी है बेस्ड ऑन व्हाट वर्क्स ऑन यू। एनी टाइम इज द बेस्ट टाइम, किसी भी टाइम वर्कआउट करें, वर्कआउट तो करें। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरु मान, आई लव यू ऑल ओवर एंड आउट।